ऐसा इस देश के अंदर पहली बार हो रहा है जब किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह की जो बड़ी देग है उसके अंदर सेवा के रूप में बड़ी देग का तकसीम किया जाएगा। पीएम साहब के हक में उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सगा गरीब नवाज की बारगाह में उनकी सेहत सलामती लंबी उम्र के लिए दुआ भी करेंगे। हमारे मुल्क में जो हर मजहब के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी मोहब्बत कायम दायम रहे और हमारे मुल्क में अमन चैन कायम रहे, हमारा मुल्क खुशहाल और उन्नत रहे, ये दुआ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे। इस खास अवसर को लेकर उनके चाहने वालों में खासा उत्साह है। वे तरह तरह से इस खास दिन को सेलिब्रेट करने की तैयारी अभी से कर रहे हैं। इस बीच ये झलकियाँ राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ दरगाह से आ रही हैं, जहाँ पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए खास तरीका अपनाया गया है। अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विशाल लंगर का आयोजन किया जाएगा। पूरे लंगर का आयोजन अजमेर शरीफ के इंडियन माइनॉरिटी और चिश्ती फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर अजमेर शरीफ में 4000 किलो शाकाहारी भोजन तैयार किया जाएगा और आम लोगों को भोजन कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 17th ऑफ सितंबर को हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस है। उनके इस जन्म दिवस के मौके पर पूरे देश में जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं उनके ऊपर सेवा के कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी के तहत अजमेर दरगाह शरीफ में जो बड़ी देग है, यानी जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी देग कहलाती है और सबसे बड़ी हांडी मानी जाती है, जिसमें पिछले 550 साल से शाकाहारी लंगर आज तक तकसीम होता चले आ रहा है, इसका पूरा इंतज़ाम और देख रेख जो हमारी खुदाम ख्वाजा साहब की जमात है, हमारी जो खुदाम कम्युनिटी है, वो करती है और उसी की जानिब से वो लंगर तकसीम किया जाता है। ये ऐसा इस देश के अंदर पहली बार हो रहा है जब किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह की जो बड़ी देग है उसके अंदर सेवा के रूप में बड़ी देग का लंगर तकसीम किया जाएगा। और ये जो देग है इसके अंदर हम आगामी 17th ऑफ सितंबर को 4000 किलो शाकाहारी भोजन, जिसमें चावल होगा, असली घी होगा, ड्राई फ्रूट्स होंगे, और उसका हम लंगर बनाकर यहाँ जो डिवोटीज़ हैं गरीब नवाज के उनके अंदर भी तकसीम करेंगे। साथ ही जो हमारे यहाँ के आसपास के जो गुरबा लोग हैं, गरीब जमात हैं, उनको भी लंगर सेवा के रूप में खिदमत खल के तहत तकसीम किया जाएगा। पीएम साहब के हक में उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम सगा गरीब नवाज की बारगाह में उनकी सेहत सलामती लंबी उम्र के लिए दुआ भी करेंगे। इस पूरे लंगर का जो आयोजन है वो इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन अजमेर शरीफ की जानिब से ये किया जा रहा है। और जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी बारगाह है, जब यहाँ उर्स होता है तो हर वर्ष ख्वाजा साहब के उर्स में पीएम साहब अपनी ओर से चादर भी भेजते हैं। उस चादर को भी जो खुदाम समुदाय है वही गरीब नवाज की बारगाह में पेश करता है। इस बारगाह से हमेशा हर वक्त में हर दौर में मोहब्बत का, अमन का, सेहत सलामती का, मुल्क की खुशहाली का दुआ और पैगाम जाता है। और हम आगामी 17th ऑफ सितंबर को भी हमारे मुल्क की तरक्की, खुशहाली, हमारे मुल्क में जो हर मजहब के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी मोहब्बत कायम दायम रहे और हमारे मुल्क में अमन चैन कायम रहे, हमारा मुल्क खुशहाल और उन्नत रहे, ये दुआ करेंगे।